बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज बनाया जी हमने यखनी पुलाव। चलें जी शुरू करते हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो बीफ था, इसको मैंने पहले पानी गर्म रख के ना उसमें ये 2 उबाले दबाए ने, फिर पानी सुट दिता है लाख विचों, बस कम वगैरह सारा निकल गया। हूँ मैंने दोबारा कुकर च ऐड करके तो असी अपने चावलों के हिसाब न यह मैं 7 गिलास पानी पाया। ठीक है जी, मेरे चावलों वाली ये परफेक्ट है और वैसे भी सॉफ्ट बनने ने, तो पानी ज़रा सही रहना। ये मैंने डालियाँ जी इसमें गरम मसाला, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, जीरा और सूखा धनिया। तो ये साबत ही इसके अंदर जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, इन कट लाँगे बाद में, तुम दस नहीं की करना है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया जी इसके अंदर 2-3 पीस हैं उसके प्याज के, 4-5 लहसुन के टुकड़े और ये 2 अदरक के टुकड़े आप देख रहे हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि इसकी जो हीक है, स्मेल है गोश्त की, वो ये सारे मसाले जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, ये 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। लो जी, इनू असी हुण जरा कुकर नू कर देने बंद और देख रहे हैं साडा गोश्त जिहड़ा है किन्नी देर च गल जांदा है। ठीक है ना जी, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगी। ये देखें जी, 20 मिनट मैंने दिए हैं, गोश्त परफेक्ट गल गया हमारा और इसको मैंने कर लिया स्ट्रेन। यह देखो पुणी नाल मैं छान लिया और ये जिहड़ा भी माल विचों निकलिया उन्हां नू दबा दबा के सारा विचों इहदा जूस कढ लिया और ये जो बच गया ना इसका ये फारग। ठीक है जी, सारा इसका जो असर है ना वो यखनी के अंदर आ गया। लो जी, ये मैंने 1/4 कप लिया 3/4 ऑयल का। आपको पता है ना कि ऑयल, ये जो बीफ होता है या मटन होता है उसके ऑलरेडी ग्रीसी होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा ऑयल डालेंगे ना तो फिर बहुत वो चिपचिपा सा बन जाता है। ये 2 कड़ी पत्ते हम डाल रहे हैं इसके अंदर, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कड़ी पत्ते में थोड़ा सा कड़कड़ा लेने हैं, तो फिर असं अपने प्याज ऐड करने हैं। बहुत ही सॉफ्ट जे चावल बनते हैं यखनी वाले, बच्चों लिए, बुजुर्गों लिए, सब भी खा सकते हैं लेकिन बच्चे तो बुजुर्गों लिए तो स्पैशली बहुत ही अच्छे ने, ना सॉफ्ट होंगे ने इस वास्ते। यह 2 मीडियम साइज प्याज स्लाइसिस कट कर लेने मैं। ठीक है, और इन्हों असी हूँ लाइट ब्राउन करांगे यखनी पुलाव वास्ते, तो सॉफ्ट जे चावल अच्छे लगते हैं लिहाजा इन असी बिल्कुल ही लाइट जे करांगे गोल्डन, और उस तो बाद असी अगला जो पार्ट है वो देखने हैं की करना है। ये देखें जी, ये हमारा लाइट से हो गए हैं, फौरन मैंने थोड़ा पानी डाला ताकि ये मज़ीद ब्राउन ना हो, और अब हम इसके अंदर पटाखे पै रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी 2 टमाटर। तो ये मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं टमाटर, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छा, टमाटर बेच गल गुल जाने ने कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यह कि अगर टमाटर का टेस्ट जो ना वो चावलों बहुत अच्छा लगता है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक मैं अगे भी हमेशा कहनी कि ज़्यादा पाना चाहिए, सेहत वास्ते भी बहुत अच्छा है और टेस्ट तो फिर तुम पता है ये चावलों का सालना का जोड़ा इनहेंस कर देता है। लो जी हूँ असर मैं 3 मीडियम साइज़ दिया सब्ज मिर्चा से उन्होंने मैं चॉप कर लिया, वो इसके अंदर अंदर पावे जी, और देखो जी हम ही शक्ल कि अच्छी लग रही है, तो खुशबू तो आनी शुरू हो गई है। ये पुलाव इतनी बस यखनी बनने की देर है, बस फिर तो बाद में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगती, तो खुले बर्तन में बनाया तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, ये देखें 1 टेबल स्पून हमने पहले नमक डाला, 1 टेबल स्पून मैं अब डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, ये इतना मिर्ची नहीं है, ये चिली फ्लेक्स जो है। ठीक है, ये जो मैंने गर्म मसाला 1 टेबल स्पून डाला है ना, इसके अंदर बादियान, लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है, और मैं सब कुछ पिसा हुआ इसलिए डाल रही हूँ, बाकी चीज़ें स्ट्रेन इसलिए की हैं कि आपके मुँह में ना आए, बच्चे बड़े सब जो है ना वो आराम से खा लें। वैसे तो खड़ा मसाला भी डाला जा सकता है लेकिन इस पुलाव में ना मैं प्रेफर नहीं करती इनको, मैं कहती हूँ सारा कुछ पिसा ही डालना चाहिए। यह देख लो जी साडा गोश्त, यह देखो हाथ लाई टूट रहा है, क्योंकि जितना अच्छा गला गोश्त होगा उतने ही अच्छे ज़्यादा जो है ना वो चावल बनेंगे। तो अब मैं इसको कम अज़ कम 5 मिनट जो है ना यह गोश्त को असं हूँ भुन भनैया करना है, चंगी तरह अच्छी तरह इन भुना है, तो फिर ही यदि अच्छी खुशबू आनी शुरू होनी है। हूँ खुशबू तो खैर होनी आ रही है बड़ी अच्छी, लेकिन अब अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया भूनने के साथ, टमाटर भी हमारे गल गए हैं, और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी 1 कप दही। बड़ा ही हल्का सा खट्टा टच देता है ये दही चावलों को, और ये बहुत खड़े और इस तरह के चावल नहीं बनते, ये तरह सॉफ्ट मैंने फिर क्या है कि ये नरम जे है, तो बस मेरी अम्मी ने बड़े पसंद से कहना कि
जस पक्के ने ना दम खुलिया तो फौरन ही मैनू दे दियो, बाद से ही मेरे को खाधे जाते बुजुर्गों के लिए, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। ये है जी हमारे पास 6 से 6.5 कप जो है ना ग्लास यखनी का है हमारा, तो थोड़ा सा पानी जो कम था मैंने और ऐड कर लिया है, क्योंकि जब हमने गोश्त गलाया है तो जाहिर सी बात है 1.5 गिलास तो कम होना ही था। ये हमारा जी पानी उबलना शुरू हो गया, आहा बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और देखो जी ए 4 गिलास मेरे को चावल सी और आधा घंटा पहले मैं भिगोए ने, और अब इसको अंदर शामिल कर देंगे सारे चावल अच्छी तरह, ज़ाया नहीं कोई रिस्क करना चाहिए, ठीक है ना जी। अल्लाह ताला दी नेमतां ने ज़ाया करना तो बड़ा बहुत बुरी गल है। देखो ना सैलाब इन्ना आया हुआ है कि बहुत सारे इलाकों लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा, और मैं न्यूज़ देख रही थी बहुत ही यकीन करो दिल ख़राब होया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इन नेमतां दित्तियां हुई हैं। ऐ जी हमने चावल जो है हमारे बिल्कुल पानी जो है वो सूख गए, और अब हम इसके अंदर ये 4-5 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट करके डाली हैं, और अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे। ये जी 15 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या खुशबुएँ आ रही हैं जी। चलिए जी अब मैं ज़रा इनको हिलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये देखें जी बस अब चलिए जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखो जी क्या खूबसूरत शक्ल है थे, और क्या खुशबू और रंग। साथ मैंने बनाया जी, हमें पसंद है इसके साथ काली मिर्चों वाला दही, उसमें छोटा छोटा प्याज डाला हो, मैंने इसके अंदर प्याज डाला हुआ है छोटा छोटा, और साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया। देखें मिर्चें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, है ना। देखें ज़रा, अगर आप YouTube पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे हो तो साडे पेज नू लाइक करो, और चावल खाओ बना के, और सानू दुआ च याद रखना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।